नमस्कार, NMC न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक संपन्न, सरकार ने दिया शांति बहाली का आश्वासन। देश की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन हुई लॉन्च। वैगनर ग्रुप की पुतिन को धमकी, रूस में जल्द होगा नया राष्ट्रपति। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान, सतलुज में बुजुर्ग के साथ बह गई 18 बकरियाँ। एशियन गेम्स को लेकर BCCI ने बदला फैसला, दो टीम भेजने को हुआ तैयार। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालातों की जानकारी दी। इस बैठक में BJP, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, RJD, वाम दलों समेत विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के लिए बूस्टर वैक्सीन लॉन्च कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिनोवा की ओर से स्वदेशी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन JAMCOVAC-OM को लॉन्च किया है। प्राइवेट सेना वैगनर ने रूस में बगावत कर दी है। वैगनर ग्रुप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करता था, यूक्रेन की जंग में भी लड़ता था, लेकिन इस ग्रुप के लड़ाकों ने अचानक से विद्रोह कर दिया है। प्रदेश में शुक्रवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने प्रदेश भर में जमकर तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मंडी के कटौला में सबसे ज़्यादा 163.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी साल सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स खेले जाने हैं। चीन में होने वाले इन खेलों में क्रिकेट भी दिखाई देगा। इन खेलों में भारत की पुरुष और महिला टीमें शिरकत करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें NMC न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।